नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बसेरा आप सभी का संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज और महीना चल रहा है अप्रैल। तो आज हम देखेंगे 4 अप्रैल 2019 के एक करंट अफेयर और ये सभी आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि और अधिक वीडियोस चैनल में अपलोड कर सकें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का सदस्य बनिए और घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजे हुए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो यू ऑनली फॉल वेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो दोस्तों, आप तभी गिर सकते हैं जब आप कोशिश करना बंद कर दें। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि हम जितने भी न्यूज़ सुनते हैं कि आज इस चोटी को, इस पर्वतारोही ने फतेह किया, या कोई भी, चाहे कोई एवरेस्ट पे चढ़ा, चाहे किसी ने कुछ हासिल किया, कोई किसी 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 भी सफलता के शिखर पे पहुंचा, तो दोस्तों वो इंसान वहां पर को क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने निरंतर प्रयास किया और उसने हार नहीं मानी। कभी भी लौटने वाले का नाम नहीं लिया जाता है। जैसे कोई एवरेस्ट पे चढ़ा लेकिन आधी चढ़ने के बाद लौट गया, तो कभी उसका इतिहास में नाम नहीं आएगा। नाम हमेशा उसका आएगा जिसने उस कठिनाई को पार करके शिखर तक पहुंचा है। तो आप, और वो शिखर तक कैसे पहुंचा? लगातार प्रयास करने के बाद पहुंचा है। तो दोस्तों, आप तभी गिर सकते हैं जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो आप कोशिश निरंतर करते रहिए, लगातार प्रयासों से ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत और यूक्रेन ने द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के बीच निर्यात और आयात के संबंध में बातचीत की गई और इसकी चौथी मीटिंग इंडिया यूक्रेन वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो याद रखिएगा, भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार से संबंधित वार्ता हुई है और यूक्रेन की राजधानी है कीव और करेंसी है हर्वेनिया। अब और आप यूक्रेन को इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि लगातार खबरों में यूक्रेन और रसिया का क्रीमिया को रिलेटेड विवाद चल रहा है। तो दोस्तों, क्रीमिया तो ये एक यूक्रेन इंटरनेशनल न्यूज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसकी कैपिटल और करेंसी जरूर याद रखिएगा। तो भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि इन्होंने एक ब्रिज बनाया जिसका नाम है मैत्री, जो कि 260 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जिसको सिंधु नदी के ऊपर बनाया गया है लेह लद्दाख रीजन में। तो लेह लद्दाख रीजन पे सिंधु नदी के ऊपर मैत्री ब्रिज बनाया गया है और यह एक नया रिकॉर्ड है। और इस ब्रिज को तैयार करा इंडियन आर्मी ने मात्र 40 दिनों में। और इसके लिए जो इंजीनियर थे वो थे साहस और योग्यता रेजिमेंट के। तो याद रखिएगा, साहस और योग्यता रेजिमेंट के इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने मैत्री ब्रिज को मात्र 40 दिनों में बना दिया और यह ब्रिज लेह लद्दाख रीजन में बना है और लेह लद्दाख रीजन में बहती है सिंधु नदी। अगली खबर है, भारत ने नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए एक अनुबंध पर साइन किए। तो भारत ने एक एग्रीमेंट किया है और जो इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस पर साइन हुआ है, यह मलावी में हुआ है। और इसको, इस एग्रीमेंट को साइन करने का उद्देश्य है कि हम अफ्रीका के देशों में एग्रो फाइनेंसिंग या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कृषि वित्त पोषण और उद्यमिता का विकास, अर्थात हम उनके एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप आत्मनिर्भर बना सकें उन्हें। तो इससे संबंधित एग्रीमेंट हुआ है भारत और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि अफ्रीका के देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी कृषि और
विकास से संबंधित। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। स्टेट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में वायु प्रदूषण के कारण 1.2 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। तो आप याद रखिएगा कि भारत में 2017 में वायु प्रदूषण से जो मृत्यु हुई है वो लगभग 1.2 मिलियन है। तो ये रिपोर्ट दी है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019। कोटेक महिंद्रा पहला बैंक बना है जिसने यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्ज इम्पोज कर दिए, अर्थात जो हम ये डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे चाहे हम पेटीएम के थ्रू करें, गूगल पे के थ्रू करें, फोन पे के थ्रू करें, तो इसके लिए एडिशनल चार्जेस अभी तक नहीं लगते थे। तो कोटेक महिंद्रा बैंक पहला बैंक बना है जिसने इसके ऊपर चार्ज लगा दिए। जैसे आप अगर 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके 2.5 रुपये कटेंगे, 1000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 5 रुपये कटेंगे, ऐसे करके इन्होंने स्लैब बनाए हुए। तो कोटेक महिंद्रा बैंक पहला बैंक बनाया जिसने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके लिए ट्रांजेक्शन पे चार्ज लिया, चार्ज शुरू किया है। कोटेक महिंद्रा जो है आप याद रख सकते हैं कि इसकी स्थापना की गई थी उदय कोटेक के द्वारा। और 197 कम्युनिकेशन को सेबी ने स्टॉक ब्रोकिंग की मंजूरी दे दी है। तो 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम की एक उपशाखा है, या आप कभी भी पेटीएम से पेमेंट करते होंगे तो आप देखते होंगे कि लास्ट में आपके स्टेटमेंट में यही कंपनी को ट्रांजेक्शन होता है, तो 197 कम्युनिकेशन, तो ये पेटीएम की ही एक उपशाखा है, इसको सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक ब्रोकिंग की मान्यता दे दी है। और इस कंपनी की स्थापना की गई थी विजय शेखर शर्मा द्वारा, जो कि पेटीएम के भी फाउंडर हैं, और यह कंपनी बनी थी 2010 में। सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 205 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थिति देखते हुए सरकार ने 205 करोड़ रुपए डालने का निर्णय लिया है। तो बैंक सरकार लगातार बैंकिंग सेक्टर को उठाने के लिए अपने ओर से पैसे डाल रही है। जैसे अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और विजया बैंक, तीनों बैंकों का मर्ज कर दिया गया है, बीओबी में मिल गए हैं तीनों की तीनों, और सरकार ने इसमें 5024 करोड़ रुपए भी दिए हैं इस मध्य। और यह अब भारत के दूसरे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाएगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में, और एमडी और सीईओ इनके एएस राजीव, और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, बैंक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2019-20 में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत की ग्रोथ रेट, या भारत जो आर्थिक वृद्धि होगी भारत की, उसको उसका पूर्वानुमान इन्होंने घटा दिया है। पहले इन्होंने कहा था कि भारत 7.6% की दर से बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने 0.4% कम करके अब अपना पूर्वानुमान किया है 7.2%। और इसका कारण बताया इन्होंने ब्रेक्जिट को, जो ब्रिटेन है यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, तो इस कारण इनका मानना है कि भारत की ग्रोथ रेट में 0.4% का फर्क पड़ जाएगा और 2019-20 में भारत 7.2% की दर से बढ़ेगा। टाटा पावर ने इंद्रप्रस्थ गैस के साथ एक समझौता किया है कि, और यह समझौता किया गया है रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से। तो छत पे जो सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उससे रिलेटेड समझौता हुआ है टाटा पावर और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बीच। टाटा पावर इनके सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा, और हेडक्वार्टर है मुंबई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जिसे बोला जाता है आईजीएल, इनके सीईओ हैं नरेंद्र कुमार, और इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा टाटा पावर और आईजीएल के बीच रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक समझौता किया गया। तो हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल को एशियन टूर विथ अ स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एशियन टूर विथ अ स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल को। विक्रम पटेल को प्रतिष्ठित जॉन डकस कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह अवार्ड दिया जाता है
मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, और इस अवार्ड को पाने वाले अन्य व्यक्ति हैं एलन लोपेज, क्रिस्टोफर जे एलमोरे, सीजर विक्टर विक्टोरा, सीजर विक्टोरा एंड एंटोनी फॉकी। तो इन व्यक्तियों के भी नाम याद रखिएगा। तो जॉन डक कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया जाता है मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, और इससे सम्मानित किया गया है भारत के विक्रम पटेल को। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट अवार्ड है। एयर मार्शल डी चौधरी को वेस्टर्न एयर कमांड का एयर स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर बने हैं एयर मार्शल डी चौधरी। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलजीज ने 20 साल के बाद सत्ता से इस्तीफा दे दिया। अल्जीरिया में लगातार गतिरोध बना हुआ था और वहाँ की जो जनता है वो चाह रही थी कि अब्देलजीज अब अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने राष्ट्रपति पद से अब इस्तीफा दे दिया है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे अब्देलजीज, जिन्होंने 20 साल के बाद सत्ता से इस्तीफा दे दिया। तो नासा के वैज्ञानिकों ने शनि के आकार का ही एक नया प्लेनेट ढूंढा है जो पृथ्वी से लगभग 60 गुना बड़ा है, और इस प्लेनेट को खोजा गया टेस्ट की मदद से, और ये टेस्ट का फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेंट सर्वे सैटेलाइट। तो टेलीस्कोप की मदद से नासा ने खोजा एक नया शनि के आकार का प्लैनेट जो कि पृथ्वी से लगभग 60 गुना बड़ा है। तो याद रखिएगा, वुली नेक्ड स्टॉर्क और व्हाइट बेल्ट ड्रोनगो वुली नेक्ड स्टॉर्क और व्हाइट बेल्ट ड्रोनगो जो कि ड्राईलैंड में पाए जाने वाली ड्राईलैंड मतलब सूखी जमीन पर पाए जाने वाली बर्ड्स की स्पीसीज है, इसको 19th बर्ड सर्वे किया गया है। तो 19th बर्ड सर्वे में इन दोनों स्पीसीज को नॉर्थ केरला के एरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया। तो दोनों ही बर्ड स्पीसीज को आप याद रखिएगा, वुली नेक्ड स्टॉर्क और वाइट बेल्ट ड्रोनगो, दोनों ही बर्ड स्पीसीज को या दोनों ही चिड़ियाओं को उत्तरी केरला के एरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया। और इस सर्वे के अनुसार लगभग 152 प्रजातियों को स्पॉट किया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब इम्पोर्टेंट हो जाती है, करंट की न्यूज़ में आ गई। तो एरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में स्थित है, और केरला के कुछ नेशनल पार्क जैसे एर्राविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मिथिकेट्टम शोला नेशनल पार्क और अनामुदी शोला सेंट्रल पार्क, और कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दो डांस फॉर्म है जो कि केरला से रिलेटेड है। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, तो सौरभ घोष पहले इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर बने। तो पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश प्लेयर बने सौरभ घोष, जिन्होंने टॉप 10 PSA वर्ल्ड रैंकिंग में अपना स्थान बनाया। तो सौरभ घोष PSA वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में आने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने, और ये खेलते हैं स्क्वैश। इससे पहले दो महिला खिलाड़ी ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुकी थी, आप उनका नाम जानते भी होंगे, जैसे दीपिका पालिकर और जोशना चिनप्पा। तो ये दोनों महिला खिलाड़ी थी, लेकिन पहले मेल प्लेयर हैं सौरभ घोषाल। और कुछ पॉइंट PSA के बारे में, PSA का हेडक्वार्टर है लीड्स इंग्लैंड में, इनके चेयरमैन है जैद अल टर्की, प्रेसिडेंट है अली फारक मेल के, और जेनी डनकफ है वुमेन की। और स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और इनके प्रेसिडेंट है देवेंद्र नाथ सारंगी, और कोच हैं साइरस पोंचा। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं, और नाम जरूर याद रखिएगा सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश प्लेयर है। तेलंगाना ने लगातार दूसरे वर्ष भी प्रथम स्थान हासिल किया है।
ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाने वाला तेलंगाना भारत का पहला फर्स्ट स्थान हासिल करने वाला राज्य बना। तो याद रखिएगा ये लगातार दूसरे वर्ष जब तेलंगाना को पहला स्थान हासिल हुआ है, पिछले वर्ष भी तेलंगाना ही प्रथम स्थान पे था। और एक इम्पोर्टेंट डे या कह सकते हैं वीक, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, जो कि 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाएगा। तो भारत सरकार ने अंधत्व को मतलब ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अप्रैल तक प्रतिवर्ष ब्लाइंडनेस वीक की रोकथाम का आयोजन किया, या प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है इसका। और इस दिन का लक्ष्य होता है कि नेत्र रोगों का पता लगाएं और इलाज और उपचार पर ध्यान दें। और ये इस वीक को स्टार्ट किया गया था 1960 में जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा। और इसके लिए एक्ट था अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको 1960 में स्टार्ट किया गया था। और सरकार के द्वारा एक दूसरा कैंपेन भी शुरू किया गया है, विजन 2020 द राइट टू साइट, विजन 2020 द राइट टू साइट। और इस कैंपेन को WHO के साथ मिलकर शुरू किया गया है। और इसका भी उद्देश्य है कि हमें अंधत्व को रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो ब्लाइंडनेस को रोकना है, ताकि जो भी इनसे होने वाली बीमारियां हैं उसको जल्द से जल्द कम से कम किया जा सके। तो विजन 2020 द राइट टू साइट, सरकार ने WHO के साथ मिलकर इस कैंपेन को भी शुरू किया है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल तक, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हर प्रत्येक वीडियो को आप पसंद कर रहे होंगे। तो दोस्तों इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। आप अपना सपोर्ट हमें देते रहिए और हम इन वीडियोस की संख्या धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार निरंतर कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।